हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रतिभास किचन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया है और उसमें मैंने 8 से 9 चम्मच तेल डाला है। अब उसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट, क्योंकि मैं ये फ्राइड राइस 20 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में सब चीज़ें ली है। अब इसको अच्छे से फ्राई करना है और आपको गैस की आँच हाई रखनी है। अब मैंने इसमें डाली है शिमला मिर्च, 2 शिमला मिर्च मैंने छोटी छोटी काट कर इसमें डाली है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है कैबेज, जो मैंने छोटा छोटा काट कर इसमें डाला है। और उसके बाद ये है ग्रीन लीव्स ऑफ स्प्रिंग अनियंस, ये भी मैंने छोटे छोटे काट कर इसमें डाले हैं। ये लगभग आप पूरी चीज़ें एक एक बाउल ले लीजिए। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी कैरेट्स, ये भी आप अपने हिसाब से छोटे छोटे काट के डाल सकते हो या फिर बड़े बड़े भी रख सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद ये है शेजवान चटनी, ये मैंने ये बड़ा वाला बाउल भर के इसमें डाली है। और इसके बाद मैं इसको लगभग 2 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसको। अब ये जो राइस है, ये पका हुआ राइस धीरे धीरे मैं इसमें डालूंगी। मेरा ये राइस मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है। और 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से पकाना है। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है, इसमें मैं डालूँगी ग्रीन चिली सॉस 2 चम्मच, फिर रेड चिली सॉस, दो चम्मच। उसके बाद ये है डार्क सोया सॉस, ये मैं 1 चम्मच डालूँगी। और इसके बाद ये है वाइट विनेगर, ये भी मैं 1 चम्मच डालूँगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद मैं इसमें टोमेटो केचप डालूँगी, वो भी 1 चम्मच डालूँगी। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके हमें राइस में डालनी है। चाहो तो आप जब शेजवान चटनी डाल रहे हो उस टाइम पे भी ये डाल सकते हो। तो ये मैंने मिक्सचर इस राइस में डाल दिया है। और नमक, मैंने चावल पकाते वक्त उसमें नमक डाला था, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा ही नमक डाल रही हूँ। फिर इसको अच्छे से मिक्स करें और 2 मिनट तक पका के गैस बंद कर दें। तो ये हमारा इंस्टेंट शेजवान फ्राइड राइस तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।